आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात बड़ी खबर की, उपेन यादव की तबीयत बिगड़ी है। आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है। 21 सूत्री मांगों को लेकर अनशन लगातार जारी है। बताते चले कि उपेन को अस्पताल लाया गया है, पुलिस प्रशासन द्वारा अस्पताल ले जाया गया है। उपेन यादव ने अस्पताल से अनशन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। तो लगातार आमरण अनशन बेरोजगार अभ्यर्थियों का जारी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव वहां मौजूद हैं और उपेन यादव की अब तबीयत बिगड़ी है, अस्पताल में उनको लाया गया है। और अस्पताल से ही उपेन यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि आमरण अनशन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है। 21 सूत्री मांगों को लेकर लगातार बेरोजगार अभ्यर्थी डटे हुए हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर। ऐसे में आज तीसरे दिन उपेन यादव की तबीयत बिगड़ी है, अस्पताल लेकर आया गया है। अस्पताल से ही उपेन यादव ने साफ कर दिया है कि आमरण अनशन उनका जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती, मांगे पूरी नहीं करती। तो रीट परीक्षा जांच कराने को लेकर और तमाम 21 सूत्रें मांगे हैं बेरोजगारों के, जिसको लेकर लगातार आमरण अनशन उनका जारी है। सहयोगी ललित मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। ललित, उपेन को अस्पताल लाया गया है, कैसी उनकी हालत है और क्या है जानकारी खबर पर? जी बिल्कुल मनी, आपको बता दें कि पिछले तीन दिनों से 21 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव आमरण अनशन पर थे। आज सुबह उनके स्वास्थ्य में जब गिरावट दर्ज की गई तो मेडिकल टीम ने आकर जब चेकअप किया तो शुगर लेवल पहले 68 और उसके बाद 59 पर पहुंच गया था, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती होने का सुझाव दिया गया। लेकिन उपेन यादव ने धरना स्थल पर ही आमरण अनशन जारी रखने की चेतावनी दी। उसके बाद भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और स्वास्थ्य में जब लगातार गिरावट देखी गई तो पुलिस प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस के जरिए SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उपेन यादव ने घोषणा कर दी है कि वे अस्पताल में भी अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे। अगर दिन की बात की जाए तो दिन में दो बार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए थे और वार्ता के लिए ले जाने के लिए बात कही थी, लेकिन उपेन यादव ने साफ इनकार कर दिया था कि वार्ता बहुत बार हो चुकी है। अब जो लिखित में समझौते हुए थे 23 फरवरी और 3 अप्रैल को, उन समझौतों पर अब अंतिम फैसला लेना है। ऐसे में जिसको भी वार्ता करनी है वह धरना स्थल पर आए और सभी बेरोजगारों के सामने वार्ता करे। ऐसे में अब अपनी मांगों को लेकर आर पार की चेतावनी दे दी गई है, साथ ही अस्पताल से भी आमरण अनशन जारी रखने की चेतावनी उपेन यादव द्वारा दी गई है। बहुत शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, शहीद स्मारक की तस्वीरें जहां पर लगातार बेरोजगार अभ्यर्थी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और आमरण अनशन उनका जारी है। उपेन यादव जो कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं, उपेन यादव इनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल उनको लेकर जाया गया है और उपेन यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी ये आमरण अनशन उनका जारी रहेगा। तो अस्पताल लेकर जाया गया उपेन यादव को, वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। और अस्पताल में अभी उपेन यादव की जो हालत है वो अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है और उपेन यादव ने साफ तौर पर कह दिया है, चेतावनी सरकार को दे दी है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आमरण अनशन अभ्यर्थियों का जारी रहेगा। पिंक सिटी में किशनबाग जयपुर